गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, वो कुछ इस तरीका से हैं: इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर का हम चार्ज पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, और चार्ज कोई वीडियो देखने के लिए आप आई बटन को क्लिक कीजिए। तो चलते हैं आज का हम पहला टॉपिक पढ़ने के लिए, जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम स्टडी करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, तो स्पेस अराउंड द रेस्ट चार्ज पार्टिकल, ये एक हमारा एक स्पेस है। ये स्पेस जो है, इस स्पेस में कोई भी चार्ज अगर हमारा आता है, तो ये भी एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है। इन दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन हो सकता है। डिपेंड करता है कि ये आपके दोनों पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, या दोनों नेगेटिव या पॉजिटिव क्या है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ये चार्ज हमारा यहां हो, इसके बाहर, तो ये चार्ज इसके ऊपर ना तो ये अट्रैक्शन करता है ना ही रिपल्सन करता है। तो ये स्पेस अराउंड द रेस्ट चार्ज पार्टिकल, दिस चार्ज इज इनसाइड, तो ये फील्ड जो है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन को इस तरीके से कह सकते हैं हम: इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पार्टिकल, एंड क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, ये वही होगी जो कि हमारी फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम समझते हैं कि कैसे हमारा ये सॉल्व होगा। हम यहां पर एक सोर्स चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। सोर्स चार्ज हमारा क्यू है, ये हमारे पास दूसरा चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं क्यू नॉट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास है आर। तो हम इनके बीच में कूलम्ब्स लॉ का यूज करके हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू एंड क्यू नॉट, ये हमारा फोर्स का फार्मूला है। अब हमारे को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए बेसिक फार्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो चलिए इसके अंदर एफ की वैल्यू रख ले, तो हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ की वैल्यू हमारे पास हो गया क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और सिंपली हम इसको बोल सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हमारा जो इसमें टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, क्यू नॉट की वैल्यू हम मिनिमम रखते हैं। क्यू नॉट की वैल्यू मिनिमम इसलिए रखते हैं क्योंकि जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये चार्ज है, इसका अपना एक फील्ड होगा। अगर ये चार्ज हमारा बड़ा होगा, लार्ज साइज का होगा, तो इसका अपना फील्ड होगा और ये इसके फील्ड को मॉडिफाई कर देगा, और हमें एक्चुअल फील्ड नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम जितना छोटे से छोटा मिनिमम हमारा पॉसिबल हो उतना चार्ज रखते हैं। और वो हमारा क्या चार्ज पॉसिबल हो सकता है, सिंगल चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज स्टडी करने के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हमें ये टॉपिक इसलिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आ जाता है, डेरिवेशन पूछ लेते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास चार्जेस हैं, और कंसिडर करते हैं हमारे पास क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू एन चार्जेस हैं, और इनके ऊपर फोर्सेस हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड
एन इनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। कैसे करेंगे हम उनको हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास टेस्ट चार्ज है ये क्यू नॉट, एक चार्ज हमारे पास है क्यू वन, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो ऐसे फोर्स आएगा। इस फोर्स को हम निकाल लेते हैं, तो ये फोर्स क्या होगा आपके पास में एफ क्यू नॉट वन, और हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एफ सेलन नॉट, और ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अगर मैं आर वन कंसिडर कर दूं तो ये आर वन स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम यहां से दूसरा चार्ज ले सकते हैं, और दूसरा चार्ज हमारे पास दूसरा फोर्स लगा सकता है एफ नॉट टू ये हमारे पास है। इस तरीके से हम जो है थर्ड चार्ज भी ले सकते हैं और बहुत सारे चार्जेस ले सकते हैं। हम यहां पे डायरेक्ट ले लेते हैं क्यू एन, और यहां पर फोर्स आ जाएगा एफ नॉट एन। एफ नॉट एन को कैसे दिखा सकते हैं, एफ नॉट एन इज इक्वल टू एफ नॉट क्यू नॉट ये फोर पाई एफ सेलन नॉट आर एन स्क्वायर। इस तरीके से हम जो है फोर्सेज निकाल सकते हैं। अगर हम फोर्स निकाल सकते हैं तो फोर्स हमारा फॉलो करता है सुपर पोजिशन को, तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जा सकती है, ई वन इज इक्वल टू एफ नॉट वन अपॉन क्यू नॉट, ई टू इज इक्वल टू एफ नॉट टू क्यू नॉट, एंड ई एन इज इक्वल टू एफ नॉट एन क्यू नॉट। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, और इन सबको जो है सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा, तो फिर इस तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन EN तक। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आगे हम इसका जो है एक फार्मूला लिखते हैं कि ये ऐड होकर के किस तरीके से आएगा इसका। तो इसका हम फार्मूला कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू आपका फार्मूला ऐसे आ सकता है एफ अपॉन क्यू नॉट, हम इसको जानते हैं, ये हम बेसिक फार्मूला लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लिमिट ले लेंगे, लिमिट क्यू टेंस टू जीरो, और हमारा ये फार्मूला होगा इस तरीके से वन अपॉन क्यू नॉट और वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू एन क्यू नॉट अपॉन आर एन स्क्वायर, और इसका हम यहां से समेशन ले सकते हैं, इसमें से एन इज इक्वल टू वन से लेकर के और एन तक हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जा सकता है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू नोट से क्यू नोट को हम काट सकते हैं, तो हमारा फाइनल जो फार्मूला बचेगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके का रह जाएगा, F इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के समेशन आई इज इक्वल टू वन आई इज इक्वल टू एन क्यू आई आर आई स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। We can calculate the magnitude and direction of force experienced by the test charge placed at point R. R is the position in external electric field. अब हम इसकी बात करते हैं, इसको mathematical expression कैसे निकाल सकते हैं। अब ये R के ऊपर बात करते हैं, R क्या चीज है, R हमारा position है। तो हमारे पास जो force, अभी हमने पढ़ा था electric field intensity, electric field intensity को हम ऐसे दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर क्या है, आर ये पोजीशन बता रहा है हमारा क्यू नोट कहां पर है, क्यू नोट की पोजीशन बता रहा है। अब हमें यहां से हम बात करते हैं वी कैन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स तो यहां से फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, एफ आर इज इक्वल टू क्यू नोट ई आर, ये हमारे पास है।
और ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन वाली पूछी जाती है। कई बार हमारे बच्चे सिर्फ इसको लिख देते हैं, आधा नंबर मिलता है। इस पूरे को लिखना है और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है तो हमें कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इनको ड्रॉ कैसे करा जा सकता है? इनको ड्रॉ ऐसे करा जा सकता है, अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू क्यू ई, और ये फोर्स की वही डायरेक्शन होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं और छोड़ दूं उसे, तो वो चार्ज पार्टिकल मेरा मूव होना शुरू हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा, और मैं पेन लेकर के उसके पीछे पीछे लगा करके लाइन लगाना शुरू कर दूं तो एक लाइन बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इमेजिनरी लाइन होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास एक चार्ज है और चार्ज में बहुत सारी लाइनें हैं और मैं ऐसे करके ये कह सकता हूँ कि ये चार्ज की लाइन से मैंने आपको हिट कर दिया है, ऐसा नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी लाइन है। तो आइए बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं ऐसे। सिंगल पॉजिटिव चार्ज की लाइन जो ड्रॉ होंगी कैसे होगी, ये मेरे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लाइन ऐसे होंगी। इसको हम जब आंसर में लिख रहे होंगे तो बनाएंगे भी और इसको हम थ्योरेटिकल लिखेंगे भी। ये है रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड है, ये पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सिंगल नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? सिंगल नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी ऐसे। और ये इनवर्ड्स होंगी, तो ये इनवर्ड नजर आएंगी, वो आउटवर्ड नजर आएंगी। अब इन दोनों में एक बात देखिएगा, जो पॉजिटिव लाइन है ये कहां से स्टार्ट हो रही है? इस चार्ज के सरफेस से स्टार्ट हो रही है और रेडियली आउटवर्ड जा रही है, और कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जाएगी। और नेगेटिव वाले का आप देखिए कहां से है, स्टार्ट कहां से हो रही है? पता नहीं कहां से हो रही है, इसका मतलब है इन्फिनिटी से हो रही है। इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और एंड होती है सरफेस के ऊपर। तो ये हमारा पॉजिटिव सिंगल चार्ज के लिए हो गया, ये हमारा नेगेटिव सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्केच हो गया। आगे हम स्टार्ट करते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा। देखिए, एक हमारे पास प्लस का चार्ज है, एक हमारे पास माइनस चार्ज है। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिजाइन कैसे करें? इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिजाइन करने का तरीका, एक सिंपल तरीका हमारे पास है ऐसे। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है और नेगेटिव में क्या होता है? इनवर्ड्स होती है। तो ये आप देखिए, ये आपको इनवर्ड मिलेंगी और वो आपको आउटवर्ड मिलेंगी। यहां से जो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, और ये देखिए और ये आपका अट्रैक्शन को शो करती है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से पॉजिटिव चार्ज की जो लाइनें हैं वो आउटवर्ड निकल रही हैं और जो नेगेटिव वाली हैं वो उसके इनवर्ड। अगर मैं इतना पोर्शन देखूंगा तो यहाँ से आउटवर्ड दिखेंगी, इतना पोर्शन देखेंगे तो ये सभी इनवर्ड दिखेंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे करा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि दोनों पॉजिटिव अगर चार्ज हैं तो किस तरीके, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और इक्वल हैं, देखिए इस तरीके से बना सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप यहां से लाइन लीजिएगा, ऐसे यहां से लो, इसको क्रॉस कर दो, इसके ऊपर यहां से लेकर आइए, इसको यहां लेकर आओ, इसको यहां से ऐसे बनाइए, इसको ऐसे बनाइए, इसको जाने दीजिए ऐसे, इसको जाने दीजिए ऐसे, इसको जाने दीजिए ऐसे। अब हमें एक चीज देखनी है, इन दोनों का लाइन का, लाइन ज्वाइनिंग का बिल्कुल सेंटर आप देख लें और सेंटर के ऊपर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें, और यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे होगी।
ये सब आपकी आउटवर्ड होंगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो हम ये देख पाएंगे कि यहां पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो लाइन ऑफ जॉइनिंग के ऊपर होगा और बिल्कुल सेंटर पर होगा, इसको हम पी पॉइंट कहते हैं। ये हमारा नल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एक चार्ज हमारे पास सिंगल है और दूसरा चार्ज हमारे पास डबल है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और इसका ये डबल पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए अभी तक हमें कोई टेंशन नहीं है, हम बड़े आराम से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। इसके ऊपर हम यहाँ एक डॉटेड लाइन सेंटर में ले लेंगे और यहाँ से इसको आउट जाने दीजिए, इसको भी आउट जाने दीजिए, इसको भी आउट जाने दीजिए, ये आउटवर्ड जाएंगी क्योंकि पॉजिटिव है, इसको आउट जाने दीजिए, इसको आउट जाने दीजिए, ये आउट जाने दीजिए, आउट जाने दीजिए, सब ये आउट जाएंगे। अब देखिए क्या है इसमें से, ये चार्ज डबल है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ज़्यादा है, पावर ज़्यादा होगी। अब होगा क्या, नॉर्मली हमारे पास इसका एक सेंटर होता है, ये सेंटर तक जाती दोनों साइड से, लेकिन अभी क्या है ये पावरफुल है तो ये क्या करेंगी, ये इस दूसरे वाले के एरिया में एंटर कर जाएंगे। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये हमारी एंटर करके ये ऐसे आ जाएंगे, ऐसे हो गया। तो क्या चेंज हुआ हमारा इसमें, हमारा चेंज ये हुआ कि नल पॉइंट यहां आ गया। तो ये पी पॉइंट जो नल पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये नल पॉइंट बेसिकली अगर ये दोनों चार्ज इक्वल होते तो बिल्कुल लाइन ऑफ जॉइनिंग पे सेंटर पे होता है, लेकिन यहां पर क्या है, जो हमारे पास लाइट चार्ज है, हमारा नल पॉइंट लाइट चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये हमारे को इसमें पॉइंट नजर आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसी चार्ज की जो कि हमारे पास एक पूरा प्लेन शीट के ऊपर है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी अगर हमारे पास एक शीट हो। तो हम इसमें से दो कंडीशन एज्यूम करते हैं, अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है और एक हमारे पास नेगेटिव है, तो दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर ड्रॉ करते समय एक चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हम इसको इस तरीके से करेंगे लाइन, ये मैंने इसलिए खींची है जिससे कि ये दोनों इनके बराबर दोनों साइड में इक्वल गैप रहे। तो अभी हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर नहीं होती है, इसलिए हमने यहां से इनको मिटा दिया है। और यहाँ ये हमारे पास पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा रेडियली आउटवर्ड होगी, ये हमारा बाहर की साइड ऐसे जाएंगे। एक बात ये ध्यान रखनी है, दूसरा इन सबकी लेंथ इक्वल कर देनी हमें। अब ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फाइल टेक्निकली बिल्कुल ठीक हो गया है, तो ये इक्वल है, गैप इक्वल होना चाहिए, इनका लेंथ इक्वल है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। अब नेगेटिव में हम देखते हैं नेगेटिव में किस तरीके से होगा, नेगेटिव में हमारे पास इस तरीके से होगा। कोशिश करिए कि इनका जो बीच का गैप हो इक्वल रहे, इसीलिए मैंने लाइन को दोनों साइड में क्रॉस कर दिया है और इसको बाद में मैं यहां से रब कर लूंगा और ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा इसमें, टूवर्ड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो हो रही होंगी। और इनके सबकी हम इक्वल लेंथ हमारा नेगेटिव शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमारे पॉजिटिव शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब हम ऐसी बात करेंगे कि जिसमें हमारे पास एक चार्ज
सिंगल चार्ज है पॉजिटिव और डबल चार्ज है नेगेटिव, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हमारा ऐसा है तो उसमें देखते हैं कि हमारा नल पॉइंट कहाँ मिलेगा। चलिए देखते हैं नल पॉइंट। स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू और अनदर चार्ज हमारे पास है इसका डबल लेकिन नेगेटिव। अब हमें देखना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो हमने चार्ज को तो कंसीडर कर लिया कि ये हमारा चार्ज है। चार्ज को हमारे पास स्पेरिकल लेते हैं क्योंकि हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज को हम हमेशा स्पेरिकल कंसीडर करेंगे, स्पेरिकल शेप होता है। तो इसका एक बेस लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा एक बेस लाइन है। अब हमें देखना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव की आउटवर्ड जानी चाहिए थी, लेकिन ये होगा क्या कि ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये जाती ऐसे लेकिन ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे ही हमारे जो है ये ऐसे हो जाएगी। ये हमें यहाँ पे इस तरीके से नजर आया, ये नेगेटिव चार्ज है तो यहां से लाइनें ऐसे नजर आ जाएंगी, ऐसे होगा। अब हमें देखना है कि इसका नल पॉइंट कहाँ होगा। इसका नल पॉइंट होगा यहां कहीं, क्योंकि जो यहां से हमारे पास जो लाइन होंगी, जो इसकी नेगेटिव वाले की जो लाइन होंगी वो ऐसे आपकी हमारा नल पॉइंट यहाँ पर होगा। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इसका कि हमारे पास एक सिंगल चार्ज है और उसका डबल नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे और नल पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। आइए बात करते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो सकती है, कर्व हो सकती है। एक पॉइंट समझने का ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होती हैं। कंटिन्यूअस होगी जहां से जहां तक होगी वहां कंटिन्यूअस होगी, इसमें सडन ब्रेक नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका क्वेश्चन भी आता है हमारे एग्जाम में, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारी फील्ड लाइन है ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल है, और जहां तक फोर्स लगता रहेगा वहां तक वो कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा और किसी भी चार्ज में अपने आप जंप करने की टेंडेंसी नहीं होती, इसलिए ये लाइन ब्रेक नहीं होती। आगे बात करते हैं हम इसमें से कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है स्टार्ट कहाँ से करती है। तो अगर मेरा पॉजिटिव सरफेस है तो सरफेस से स्टार्ट करेगी, अगर मेरा नेगेटिव सरफेस है तो ये एंड करेगी यहां पर। तो हमें ये देखना है कि अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है स्टार्ट करती है सरफेस से, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एंड करती है सरफेस पर। इसके अलावा मुझे और भी देखना है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, यानी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर जाए तो क्या होगा। इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, किसी भी लाइन के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो वहां पर उसका मैग्नीट्यूड बताता है। और दूसरी लाइन को हम देखें तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, और मैग्नीट्यूड क्या है, ये दोनों बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, और ये है क्या चीज, फोर्स है। तो दो फोर्स आपके पास एक ही पॉइंट पर लगे हुए हैं, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था अगर एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो एक पॉइंट पर दो फोर्स पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती है, कभी भी हमारी इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो सब्सटेंस के अंदर नहीं होती है, मटेरियल बॉडी के अंदर नहीं होंगी। इसलिए ये आपके लूप तो बनाएंगे, कर्व तो बनाएंगे, लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाएंगे ये, क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं, क्लोज लूप नहीं बनाएंगे ये। यानी कि आपका अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्टार्ट करके नेगेटिव तो सरफेस टू सरफेस रहेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। यानी कि आपका कर्व तो होगा लेकिन ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ये हमारी कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, और हम बात करते हैं इससे आगे चल के। तो स्टूडेंट हम चलते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी बात करने के लिए हमें देखना है कि डेंसिटी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं इसको, और किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे ही हमारे पास एक चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी,
आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ज है, चार्ज के नियर बाई डेंसिटी आपकी ज्यादा है, और अगर मैं इसके दूर चला जाता हूँ इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द चार्ज इज हाई एंड अवे द चार्ज पार्टिकल इज लो। आइए देखते हैं इसके लिए हम कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात करते हैं कि हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करें। स्टूडेंट, आपने अब से पहले पढ़ा हुआ है कि एक इस तरीके से पढ़ा हुआ है, ये 2D है, ये एक सर्कल का पार्ट है, आर्क है, इसको हम आर्क बोलते हैं, ये एल है, ये रेडियस है, ये ओरिजन है, ये आपका एंगल है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 2D पर। लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस तरीके की बात करें, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 3D होता है, तो इसको समझने के लिए मुझे कुछ स्पेस समझना पड़ेगा। है ये हमारा इस तरीके का है, और यहाँ पर क्या है कि ये हम यहाँ फील्ड देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी। तो अब मेरे को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे क्रॉस कर रही है। तो इसके ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ मैं। तो इस बॉल के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया, वहां पर एक यूनिट एरिया कंसिडर करेंगे हम। तो ये यूनिट एरिया कंसिडर कर लिया है। जैसे हम यूनिट एरिया कंसिडर कर लेते हैं, तो हमें देखेंगे कि इसको अगर मैं इस यूनिट एरिया को कंसिडर कर दूं और इसको सेंटर पे जाके ऐसे मिलाएं, तो ये कोनिकल शेप बन जाएगी, एक कोन जैसा बनेगा। जो कि ये एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया को मैं ds से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये इसका रेडियस है, और ये इसका एक सॉलिड एंगल होगा जिसको हम डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2D में जो फार्मूला आप देख रहे थे वो ऐसा है, लेकिन 3D के अंदर अगर मैं फार्मूला देखें तो ये फार्मूला हमारा होगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, हम इस फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं हम इसका यूज। स्टूडेंट, हम देख रहे थे ये फार्मूला हमें यूज करना है, और ये एज्यूम किया है कि हमने ये बॉल जैसा हम देख रहे हैं, इसके सेंटर पर एक चार्ज होगा, सेंटर हमारा O एक सेंटर है जहां पर हमारा चार्ज है, और ये हमने सरफेस लिया है, क्योंकि ये सरफेस जो मैं देख रहा हूँ ये मेरे पास है, ये वाला सरफेस है जो कि P2 है, ये P2 वाला सरफेस है, और ये इसके अंदर यानी कि मैंने इसको बनाया तो कॉनिकल शेप बनेगी, ये आपका P1 है। तो मैंने दो पॉइंट इसमें से लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो यहां से जो लाइंस हैं वो लाइंस ऐसे निकल रही होंगी। तो जो एंगल हमारा थीटा है, तो थीटा एंगल से जो लाइन हमारी क्रॉस कर रही होंगी वो P1 से भी क्रॉस करेंगी और P2 से भी क्रॉस करेंगी। तो P के अराउंड में हमारा एक एरिया होगा और P2 के अराउंड में एक एरिया होगा। हम यहाँ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि P1 के अराउंड हमारा एरिया कितना होगा। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एरिया है ये हमारे पास है डेल्टा S1, और ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं P2 के अराउंड वाला, ये एरिया है डेल्टा S2। तो हम इसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि P1 के अराउंड जो ये एरिया है ये कितना होगा। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया एट P1 इज गिवन एज, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया डेल्टा S1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, ये वाला एरिया ये एरिया है। अब हम बात करते हैं कि P2 पर जो एरिया है वो कितना होगा। एरिया एट P2 इज गिवन एज डेल्टा S2, ये हमारा एरिया यहां पर है और ये एरिया यहां पर है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि लेट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एंगल डेल्टा ओमेगा,
ये डेल्टा ओमेगा के बीच में जो हमारे पास फील्ड लाइन्स है वो ये है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो मैग्नीट्यूड हम निकालने की कोशिश कर रहे थे वो कैसे निकलेगा, तो ये निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कैसा होगा, E1 इज इक्वल टू E2 ये होगा। इसको कैलकुलेट कैसे करें, ये होगा हमारे पास E1 क्या चीज है, E1 इज इक्वल टू N अपॉन एरिया, एरिया ये वाला एरिया, R1 स्क्वायर डेल्टा, और E2 क्या होगा आपके पास N अपॉन, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए और हम इनको जो है डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1/2, वी गेट क्या मिलेगा इसको देख लेते हैं, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N अपॉन R1 अपॉन N R2 ये मिलेगा हमें, यहां से कट जाएगा और हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, और हमारा फाइनल फार्मूला है E1 E2 इज इक्वल टू, ये फार्मूला मिल गया हमें। और इससे हमें पता क्या चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द चार्ज पार्टिकल इज हाई एंड अवे द चार्ज पार्टिकल इज लो।